वर्ल्ड कप के बाद जो लोग मायूस हो गए थे उनके चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान लौट रही है, क्योंकि जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए आईपीएल 2024 को लेकर बड़ी खबर मेरे पास है। और खबर ये है कि जो ऑक्शन होना था वो अब खत्म हो चुका है। कई बड़े खिलाड़ी जो है बहुत महंगे खरीदे गए हैं। दरअसल अगर आईपीएल की हम बात करें तो आईपीएल ने पूरी दुनिया का नक्शा ही इधर उधर कर दिया है, और आईपीएल की वजह से ही हम एक ही टीम में अलग अलग देशों के अपने फेवरेट्स खिलाड़ियों को देख पाते हैं, और इसका मजा ही कुछ और होता है। और यही वजह है कि इतने सालों से आईपीएल को हर साल भारी मात्रा में देखा जाता है। क्रिकेट वर्ल्ड में जो क्रेज आईपीएल के लिए है इतने सालों में, वो शायद ही कहीं और देखा गया हो। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 के लिए आयोजित किया गया ऑक्शन खत्म हो चुका है। ये एक मिनी ऑक्शन था जिसका आयोजन 19 दिसंबर को दुबई में स्थित कोका कोला स्टेडियम में किया गया था। इस ऑक्शन में आईपीएल इतिहास के कई पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए दिल थाम कर बैठिएगा और दिल थाम कर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खिलाड़ी के नाम पर 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बोली लगाई गई हो। इस ऑक्शन में एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ियों के नाम पर 20-20 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई गई है। आईपीएल 2024 ऑक्शन की पूरी डिटेल्स फटाफट से आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। अब मैं मानती हूँ आप लोग नाराज हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम से, क्योंकि हम वर्ल्ड कप इन्हीं की वजह से हार गए और ये वर्ल्ड कप लेकर चले गए, लेकिन ठीक है, बीती बातें भूल जाइए, आगे बढ़िए। आईपीएल में तो अलग ही मजा होता है, क्योंकि उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। जी हाँ, बात कर रही हूं मैं मिचेल स्टार्क की। उनके बाद दूसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और कप्तान पैट कमिंस का नाम मौजूद है, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20.50 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अब आप थोड़े से मायूस हो गए होंगे कि दोनों ही खिलाड़ी इतने महंगे बिके हैं। जी हाँ, आइए हम आपको अपने पूरे प्रोग्राम में आईपीएल ऑक्शन 2024 की सारी जानकारी दे देते हैं। कुल कितने रुपए खर्च किए गए इस बार के आईपीएल ऑक्शन में? कुल 230 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और ये बहुत छोटा सा ऑक्शन था, आगे और भी हो सकते हैं। कुल कितने खिलाड़ी बिके इस बार के ऑक्शन में? कुल 72 खिलाड़ियों की बिक्री हुई है। किस देश के कितने खिलाड़ी बिके हैं? भारत के 42, ऑस्ट्रेलिया के 6, श्रीलंका के 3, बांग्लादेश के 1, इंग्लैंड के 6, वेस्ट इंडीज के 4, साउथ अफ्रीका के 4, न्यूजीलैंड के 3, अफगानिस्तान के 3। किस टीम ने कितने खिलाड़ी खरीदे हैं? चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 खिलाड़ी खरीदे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 6 खिलाड़ी खरीदे हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने 6, मुंबई इंडियंस ने 8, कोलकाता नाइट राइडर्स 10। अरे रुकिए जरा, मुंबई इंडियंस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस, क्योंकि इसका कप्तान हार्दिक पांड्या को बता दिया गया है, और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस में जब से ऐलान किया गया है कि हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, तब से लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को यहां टारगेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप मैच हार गए। हालांकि पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा, ढांढस बंधाया, लेकिन हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना देना, अगर मुंबई इंडियंस की हम बात करें, रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस जीता है, फिर क्यों ये बदलाव किया गया? खैर, ये तो वक्त बताएगा कि बदलाव क्यों किया गया है, लेकिन क्या रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के अंडर खेल पाएंगे? हाँ, वो चेन्नई सुपर किंग में जा सकते हैं, क्योंकि धोनी के अंडर में उन्होंने मैच खेले हैं, तो हो सकता है कि वो मुंबई इंडियंस से चेन्नई सुपर किंग में चले जाएं या किसी और टीम में चले जाएं, ये तो वक्त बताएगा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स 10, राजस्थान रॉयल्स ने 5 खिलाड़ी खरीदे हैं, पंजाब किंग्स ने 8, सनराइजर्स हैदराबाद ने 6, लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 6, गुजरात टाइटंस ने 8। इस बार के ऑक्शन में सबसे ज्यादा खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदे हैं। जी हाँ, किस टीम ने कितने रुपए खर्च किए? चेन्नई सुपर किंग ने 30.40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 20 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स ने 19 करोड़, मुंबई इंडियंस ने 16 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 31 करोड़, राजस्थान रॉयल्स ने 14 करोड़, पंजाब किंग्स ने 24 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 करोड़, लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 12 करोड़, गुजरात टाइटंस ने 30 करोड़। इस बार के ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने खर्च किए हैं, और किस खिलाड़ी ने चौंका दिया है
एक बार फिर से मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम का जिक्र कर लेती हूँ। मिचेल स्टार्क के नाम पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद तो ज्यादा क्रिकेट फैंस कर ही रहे थे। आपको उम्मीद तो थी कि हाँ वो बहुत महंगे बिक सकते हैं, लेकिन 25 करोड़, क्या आपने सोचा था? ऐसा शायद आपने नहीं सोचा होगा। लिहाजा मिचेल स्टार्क ने निश्चित तौर पर हैरान कर दिया। स्टार्क से भी ज्यादा हैरान भारत के एक अनकैप्ड खिलाड़ी ने किया है, जिसका नाम है समीर रिजवी। समीर रिजवी का नाम आते ही चेन्नई सुपर किंग्स उनके पीछे पड़ गई और 8 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। लिहाजा समीर रिजवी ने निश्चित तौर पर ज्यादातर क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है, और आगे भी मैं इससे जुड़ी अपडेट आपको देती रहूंगी। तो आप खेल अड्डा के साथ बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप खुश हैं मिचेल स्टार्क से क्योंकि उन्हें 24 करोड़ में खरीदा गया है, या फिर आप खुश हैं कि समीर रिजवी को 8 करोड़ में खरीदा गया है।